नमस्कार, मैं हूँ आशा। आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में। चंद्रशेखर आजाद ने कल ग्रेटर नोएडा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके दौरान उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव की 33 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करी। आपको बता दूं कि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद अखिलेश सिंह यादव के साथ गठबंधन करने की सोच रहे थे। दोनों की मुलाकात भी हुई, लेकिन विचारधाराओं में मतभेद के कारण यह गठबंधन नहीं हो पाया और अब चंद्रशेखर आजाद अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कल ग्रेटर नोएडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं एक युवा हूँ, मैंने सिर्फ परेशानियों से लड़ना सीखा है, कोई व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। मैंने 5 साल में बहुत कुछ देखा और खोया है। तो आपका क्या कहना है चंद्रशेखर आज़ाद के इस ऐलान के बारे में? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।